आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन। नेपाल भारत सीमा 72 घंटे के लिए सील होगी 13 मई को वहां होने स्थानीय चुनाव। कुतुब मीनार के पास से हिंद संगठनों का प्रदर्शन, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग। सुप्रीम कोर्ट से नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितू महेश्वरी को मिली राहत, गैर जमानती वारंट पर लगी रोक। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में सभी मंत्रियों ने 100 दिनों का एजेंडा तय करते हुए अपने 100 दिनों का रोड मैप सीएम योगी के सामने पेश कर दिया है। इसी कड़ी में योगी सरकार की आज एक बार फिर लोक भवन में कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रदेश के मंत्री शामिल हुए। साथ ही योगी सरकार की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इस खबर पर अधिक जानकारी लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज की जो बैठक है वो किन मायनों में अहम होने वाली है और कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, तो क्या है वह प्रस्ताव? आज सरकार बनने के बाद तीसरी बैठक है और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि जो 100 दिन का एक खाका तैयार करके मंत्रियों को जायजा देना था कि 100 दिन में हम किस तरह का काम करेंगे और किस क्षेत्र में काम करेंगे, उसी क्रम में आज तीसरी बैठक हो रही है जो कि लोक भवन में हो रही है। तीन बार ये बैठक चलेगी। तीन राउंड की बैठक के बाद आपको बताया कि तमाम मंत्री अपने जो प्रेजेंटेशन दिए थे उसमें क्या काम किए इसको लेकर भी बताएंगे, और साथ ही जो 100 दिन के अंदर जो 100 दिन का एजेंडा दिया गया है कि 100 दिन में आप जो हर एक विभाग के अंदर बदलाव लाएंगे, साथ ही साथ कुछ नए तौर तरीकों को भी लाएंगे, उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे जायजा लेंगे। साथ ही आपको बताए कि जो विभाग के मंत्री होंगे उनके सचिव एवं विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद होंगे। वहीं आपको बताएं कि एक तरफ जहां विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था एवं तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो उसी क्रम में हाल ही में अभी आपने देखा कि चंदौली में भी ऐसे घटनाएं हुई थी जिसको कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसको लेकर अब आपको बताएं कि जो पिंक बूथ की संख्या उसको बढ़ाने की भी चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश भर के अंदर में 10,000 नए पिंक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं अगर प्रसाधन के लिए कहीं जाएं तो उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। जी बिल्कुल विभांशु, ये मीटिंग कब तक चलने की खबर सामने आ रही है, कब तक ये मीटिंग चल सकती है? शुरू हो गई है और बैठक आपको बताया कि 3 बजे तक चलेगी और 3 बजे धीरे धीरे सभी मंत्रीगण अपने कार्यक्रम को खत्म करके, जो उनके कार्यक्रम से प्रस्तावित उनको खत्म करके और बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक की शुरुआत और 3 बजे बैठक खत्म होगी। बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि किन मुद्दों पे चर्चा हुई और क्या क्या नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं, जिससे जनता को जो सरकार के प्रति जो सरकार से अपेक्षा लगा के बैठे हैं उसको पूरा किया जा सके। और वहीं आपको बताया कि मैनिफेस्टो में दिए गए वादों को सरकार पूरा करने के लिए और जमीन पर उतारने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है, तो इन प्रयासों को जमीन पर उतार कर और जनता को लाभ देने के लिए हर एक चर्चा, हर एक जो लोगों के जो मंत्री हैं, साथ ही साथ जो मंत्रियों के संबंधित कर्मचारी हैं उनके तरफ से भी प्रस्ताव दिया गया कि इन पे काम किया तो उसमें अंदर काम करेंगे और 100 दिन के अंदर बदलाव जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि दिखना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए उसमें भी जो वादे किए गए उसको भी पूरा किया जा सके। वहीं आपको बताएं कि
अगर देखें तो लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है और हाल ही में आप देखें तो कुछ राज्यों में भी चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं तैयार है अन्य राज्यों से एक मॉडल पेश करने। जैसे आप देख रही हैं कि अवैध ध्वस्तीकरण का काम उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, बाबा बुलडोजर का नाम दिया जाता है योगी आदित्यनाथ को, उसी क्रम में आप देख रही है कि दिल्ली से लेके महाराष्ट्र लेके भारत के अनेक राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, जो एक सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज हो रहा है। तो इसी क्रम में जो बीजेपी शासित अन्य प्रदेश है उसमें भी ये काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी माना जा रहा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु। उस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल अब ये मीटिंग 3 बजे तक चल सकती है, 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के लोगों का राज्य के बाहर भी खास ध्यान रखने पर जोर दे रही है, इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर खोलने का फैसला किया है। इससे अब मुंबई में रहने वाले यूपी के लोगों को फायदा मिलेगा। मुंबई में नौकरी, व्यवसाय और कामगारों के सहूलियत और उनके हित की रक्षा के लिए योगी का दफ्तर बनेगा। मुंबई में भी अब यूपी सरकार के प्रस्तावित दफ्तर में होगा। इसके साथ ही यूपी वासियों के लिए राज्य में बिजनेस एनवायरमेंट और व्यवसाय प्रोत्साहन के आइडियाज को भी तैयार करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद का अमेठी दौरे पर आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एचएल कोरवा स्थित गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं सहित लोगों से मुलाकात की और कई महिलाओं से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और निजी सचिव अजय गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दौरा हुआ, स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद है वहां पर पहुंची और जन चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्मृति ईरानी जन जन की आवाज सुनी और उनके समस्याओं का निस्तारण करने की भी बात कही है। साथ ही साथ कई जो अहम ऐसे मुद्दे थे जिनके फैसले नहीं आ पा रहे थे, उस पर भी स्मृति ईरानी ने लोगों की बात सुनी और फैसले लिए और कई महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। वहीं इस दौरान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी और निजी सचिव विजय गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के अमेठी में मौजूद रहे। महिला कार्यकर्ताओं से भी स्मृति ईरानी ने मुलाकात की और ये आश्वासन दिलाया कि हर किसी का कार्य समय पर होगा, किसी को भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम फरियादी महिलाएं और फरियादी लोग अपना फरियाद लेकर स्मृति ईरानी के जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। संवाददाता वीरेंद्र तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची हुई थी और उन्होंने जन चौपाल भी लगाया, किस तरह के जो वार्तालाप है उन्होंने लोगों से किया? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अमेठी सांसद स्मृति ईरानी जो है वो अपने 2 दिवसीय दौरे पे थी और 2 दिवसीय दौरे पे उन्होंने कल जगदीशपुर के जिछौली गांव में उन्होंने चौपाल लगाई, जिसमें अमेठी की जनता की समस्याओं को सुना और तुरंत जो वहां के जिला अधिकारी हैं अमेठी के और कप्तान को उनको तुरंत निर्देश दिए कि इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। वहीं आज उनके दूसरे दिन का मैं कार्यकाल बताया कि उन्होंने गेस्ट हाउस से अपने सहयोगी विजय गुप्ता के साथ और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक के दौरान वहीं पे तमाम महिलाएं आई जिनकी फरियाद थी, उनसे मुलाकात की और उनके साथ उनके जो विवाद थे उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र।
खबर रायबरेली से, जहां असलाह तस्कर से भूमाफिया बना हिमांशु सिंह जबरन लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, जिसका विरोध करने पर आरोपी हिमांशु सिंह दो महिलाओं से रंगदारी मांगते और जान से मारने की धमकी देता है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने एसएचओ से की है। जबकि इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया है कि बीते 2018 में दोनों ने इंदिरा उद्यान के पीछे जमीन का बैनामा कराया था और उस पर गेट लगा दिया था, लेकिन भूमाफिया हिमांशु सिंह ने उनका गेट उखाड़ कर फेंक दिया। मामला हमारे है कि हमने जमीन लिया है और हम उसको बनवाने गए हैं 4 साल बाद, तो हिमांशु सिंह बनवाने नहीं दे रहा। पहले पैसा मांग रहा था 4 लाख रुपए, कह रहा था कि पैसा दो, रंगदारी पैसा दो तब बनवाने देंगे। तो हम पैसा अपनी जिससे लिए हैं उसको पैसा दें कि उसको पैसा दें? हमने बैनामा कराया होगा ना? हमने बैनामा करवाया है, दाखिल खारिज हर एक कागज सब मेरे पास है, और वो कागज कहीं देखा नहीं जा रहा, ना थाने में देखा गया, ना कोतवाल साहब देखे। तो इसकी शिकायत किया था आपने? हमने इसकी कप्तान साहब से भी शिकायत किया था, उन्होंने बोला कि ठीक है हम जांच करवाएंगे, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। हमारा मामला यह है कि बैनामा वाले ने जबरदस्ती वे हिमांशु एक लोग हैं कतौ के हैं, हुईन के रहने वाले हैं, अब हम सब तो रायबरेली के रहने वाले हैं, राय मानिक का, और जमीन लेन तो 4 साल हो गया। 4 साल के बाद अब जो ना है कि आए बनावे बच्चे मेरे, तो वे 12 नंबर बुला ले हैं, 112 नंबर बुला ले हैं, बुलाए के हमारे बच्चे का ले गए, बैठा ले हैं, फिर 151 जमीन हमार है, हमारे नाम बैनाम। क्यों नहीं बनने दे रहा, क्या कहता है? हाँ बनवा नहीं दिया। क्यों नहीं बना देता, क्या कहता है? पैसा मांगता है। कितना? 5 लाख मांगा था। क्यों, क्या कहता है? कहा था कि पैसा दे नहीं। संवाददाता अजय, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है भूमाफिया का? भूमाफिया का मामला ये है कि मैम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे जो महिला है, प्रताड़ित पीड़ित महिला है, दो महिलाएं हैं, ये लगातार कई दिनों से एसपी वहां के चक्कर काट रही है पुलिस ऑफिस के, क्योंकि जो उनका आरोप है कि इन्होंने जो जमीन खरीदी उसके दाखिल खारिज भी हो चुके हैं और इनका इनके पक्ष बैनामा भी है, उसके बाद भी हिमांशु सिंह नामक युवक जो है 5 लाख रुपए मांग रहा है, और ये 2 बार हो चुका है। इसके पहले जब ये गई थी तो 5 लाख रुपए की मांग की थी, दोबारा गई है तो पुलिस वहां पे पहुंच रही है, 112 अपना खुद ना आकर के पुलिस द्वारा फोन करवा के रुकवा दे रहे हैं। और एक सीओ का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं पीड़ित, वो एक सीओ की जिक्र कर रही हैं कि जो है हमारे रिश्तेदार हैं वो, हमारा कुछ नहीं होगा। तो जो क्या इस पे किसी उच्च अधिकारी को इस खबर की जानकारी हुई, किसी ने इस पर एक्शन लिया? क्योंकि भूमाफिया का केस है और जो एंटी भूमाफिया सपना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि गरीबों की जो जमीन है वो भूमाफियाओं से मुक्त कराना है। उच्च अधिकारी इस पे किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? इसके पहले भी ये लोग यहाँ पर कई बार आ चुकी हैं और एसपी महोदय के उसमें जानकारी में भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इन लोगों का कहना है, जो पीड़ित है इनका आरोप है कि जो है सीओ जो है यहाँ पे सीओ सिटी है वंदना सिंह, उनका जो है रिश्तेदार है, और वो तमाम तरीके से बताया जा रहा है कि वो रिश्तेदार है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, और उसके बाद बता दें कि ये लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे हैं। असलाह फैक्ट्री के मामले में ये वांछित थे, जिन्होंने कोर्ट से राहत ला कर अपने आप को बचाया है, उसके बाद एक साथ इनका जेल भी गया था, और बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े हिस्ट्री सीटर कहे जाएंगे। एटीएम जो है, एटीएम पैसे निकालने से लेकर एसडीएम जो जिलाधिकारी होते हैं उनसे कहा सुनी हुई थी, उन्होंने एसडीएम को पीटा भी था, और उसमें 18 दिन ये जेल भी रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं हैं इनकी जो कई थानों में दर्ज हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अजय। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 300 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं का शिक्षक धन्यवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी पहुंची। सीएमएस प्रांगण में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये शिक्षकों के चरित्र निर्माण का आज मार्च किया जा रहा है। इसमें बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा का विस्तार किया गया है, जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके चहुमुखी विकास के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, हर पहलू पर
खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर जहां फर्जी गैर मान्यता प्राप्त निजी ग्लोबल किड्स प्ले स्कूल के कमरे की छत के लिंटर का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। लिंटर का मलबा नीचे गिरने से उसकी जद में आए दो मासूम छात्र घायल हो गए। मलबा गिरने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। उधर बताया जा रहा है कि सैकड़ों साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था। छात्र छात्राओं के परिजनों ने इस हादसे के बाद रोष जताया है। वहीं इस मामले में स्थानीय भाजपा नेता पंकज शर्मा का कहना है कि 200 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग है, इसमें स्कूल चल रहा है, ऐसे स्कूल के खिलाफ जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, छोटे बच्चों के खिलाफ चलते हैं और फिफ्थ तक चलते हैं, फर्स्ट तक, ये फर्स्ट तक चलते हैं और यहाँ बच्चों की ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करा रहे हैं। ये हम मांग करेंगे और अपने आप अपने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत भी करेंगे, वार्ता करेंगे कि हाँ भाई इस तरह से ध्यान नहीं चाहिए। और किसी भी पुराने भवनों में हमारी सरकार बार बार जाँच करा रही है, DM साहब जाँच करा रहे हैं, वाहनों की जाँच करा रहे हैं, स्कूलों की जाँच करा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर ऐसी लापरवाही है होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से और हमारे शिक्षकों और कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये मामला प्रकाश में आ गया है कि ब्लॉक नजीबाबाद का ग्लोबल किड्स प्ले स्कूल है, जिसमें उसकी छत का एक पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ है। चूंकि उस समय इंटरवल का समय था, कोई बच्चा कमरे के अंदर नहीं था, इसलिए कोई क्षति नहीं हुई है। दो बच्चों को मामूली चोटें आई हैं और वहाँ पर तुरंत हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके मामले का संज्ञान लिया गया, बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया गया, बच्चे स्वस्थ हैं, अपने घरों में गए हैं, लेकिन इस विद्यालय को तुरंत हम लोगों ने ताला बंद करवा करके बंद कराने का कार्य किया। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के जिगरी कॉलोनी में जहां एक दंपति के बीच आपसी विवाद इस हद तक बढ़ गया कि पत्नी ने तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो को देखा जा सकता है कि किस तरह पहले तो महिला तीसरी मंजिल पर लटकती नजर आई है, फिर लोगों से मदद की गुहार भी रही है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला का सकुशल बचा। जो ऊपर से जो लटकी थी वो महिला, तो जैसे लटकी यहाँ पे लटकने के बाद में जब शोर मचाया, बोले मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो देखा लोगों ने क्या करना हमें, तो वो दो चार लोगों ने देखा, हम इसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में इनसे बोले क्या बात है, तो कुछ बचा, वीडियो बनाने के बाद ऊपर पहुँचे दो चार लोग, पहुँचाने बस इसे खींचा, भारी बल के थी वो, तो इससे मालूम भी करा भाई क्यों लटकी, बोले मेरा कोई विभाग नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में सोमवार को मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ। मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच था। इस मुकाबले में केकेआर के वेंकटेश अय्यर ने बल्ले से शानदार खेल दिखाया, जिन्हें खराब प्रदर्शन के कारण पिछले दो मैचों से ड्रॉप कर दिया गया था। तो वहीं दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2022 में काफी खराब प्रदर्शन किया है। कोलकाता अब तक 11 में से 7 मैच गवा चुकी है। इस खराब परफॉर्मेंस के चलते कोलकाता पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 9वें स्थान पर है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में सोमवार को कमी देखने को मिली, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में यहां 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसके अलावा राजधानी में 799 नए कोरोना के मरीज भी मिले हैं। इस समय दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहां भी कोरोना मीटर पहले की तुलना में तेज हुआ है। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते मामलों के बीच राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बच्चों के टीकाकरण पर भी जोर दिया जा रहा है और कोरोना नियम के पालन पर भी फोकस कर रहे हैं। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के जोधीपुरवा में ससुराल से तंग आकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने एम्बुलेंस की मदद से युवती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवती की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस मामले पर युवती ने परिजनों का कहना है कि अक्सर युवती के साथ ससुराल वाले मारपीट करते हैं, जिससे तंग आकर युवती ने यह कदम उठाया। जब से शादी हुई है लगभग 2 महीने से मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है और लगभग मेरे माँ बाप इतने देर के बावजूद मुझे फकीरिन बनाती है, छुच्छिन बनाती है। मुझे उस सब चीज से कोई एतराज नहीं, बस मुझे खुशी दे दे, मुझे उससे बचा।
तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।